वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। UPPSC RO री एग्ज़ाम के लिए और UPPCS 2024 एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो ये UPPSC के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग अभी साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर कर लेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पर उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर विजिट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, मैं हेल्प जरूर करूँगी। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे वाली क्लास भी फॉलो करनी है, जिसमें कंप्लीट GS आप देख सकते हैं और वहाँ पर अभी ज्योग्राफी चल रही है। तो ज्योग्राफी के साथ साइंस आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग फिर से 2 सब्जेक्ट आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और आज जैसा कि होली हो गई है, आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर चुके होंगे और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कल से प्रॉपर आप लोग भी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए आज का, 95 क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ चुके थे, आज उनके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं दिया गया है। अब देखिए वो कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, पालक में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है। ऑप्शन सी है, दूध में विटामिन सी पाया जाता है। और ऑप्शन डी है, विटामिन डी को हार्मोन का काम करता है, अर्थात विटामिन डी एक हार्मोन का काम करता है। इस प्रश्न में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी को इसका आंसर पता था कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, एक खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होंगे, सिट्रस फ्रूट्स होंगे, उन सभी में आंवला है, नींबू है, हरी मिर्ची में भी पाया जाता है आप देखेंगे विटामिन सी। और इसके साथ साथ संतरा है, जितने भी ये खट्टे फल हैं उन सभी में पाया जाएगा विटामिन सी, लेकिन दूध में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी राइट होगा, बाकी सारे करेक्ट दिए गए हैं। जो स्पिनच होता है, पालक होता है, इसमें जो आयरन का अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही दिया गया है कि जो दूध का वाइट कलर है केसीन की वजह से होता है और विटामिन डी एक हार्मोन के जैसे काम करता है। थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में, लेकिन ऑप्शन सी राइट है। 97th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन आते हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ऑप्शन थ्री है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है ओजोन। अब इनको मिला के बताना कौन सा उत्तर सही दिया गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। 98th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है और पूछा गया कॉपर का नहीं है। पहला ऑप्शन है चालकोपायराइट, सेकंड है कैल्वेराइट, ऑप्शन सी है मेलेकाइट और ऑप्शन डी है एजुराइट। इनमें से कौन सा कॉपर का ओर या फिर कॉपर का अयस्क नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्वेराइट, ये गोल्ड का है, और कैल्कोपायराइट या फिर चैल्कोपायराइट आपको दिया गया ये किसका है, कॉपर का है, मेलेकाइट भी और एजुराइट भी है। 99th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं के लिए प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिम्मेदार है। पहला है तारों का टिमटिमाना, और सेकंड है द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। ऑप्शंस आपको दिए गए, इन्हीं ऑप्शंस को देख करके उत्तर देना है। तो दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, ये जो तारों का टिमटिमाना है और द्रव में डूबी हुई कोई सीधी छड़ है ये टेढ़ी दिखती है, या फिर नींबू आपने देखा होगा ग्लास में रखा होता है और वो अपने साइज से बड़ा दिखाई देता है। स्विमिंग पूल का जो ये तल होता है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये सब किसकी वजह से होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल का मादा प्रजनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्टेमेन, सेकंड है पिस्टल, सी है एंथर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पिस्टल होता है ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। अब ये जो स्टेमेन है और एंथर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। इन्हीं में जो एंथर है और ये स्टेमेन है, आप देखते हैं पोलन ग्रेन जो होता है वो आकर के फर्टिलाइज करता है एग से,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी में आकर के फिर क्या होता है, इसके बाद एम्ब्रियो या फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस किस में होगी, ये होगी प्लांट्स में। अब देखिए, आपको याद भी करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। तो ये मैं आपको प्लांट्स वाले चैप्टर में करा दूंगी, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप बोलिएगा, मैं इसमें भी करा दूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, पर फिर भी एक ओवरव्यू दे दे रही हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखेंगे ये होता है किसी फ्लावर का, तो इसमें स्टिग्मा होगा, फिर ये स्टाइल होती है और ये ओवरी होती है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे गुड़हल का देखा है ना पौधा, उसमें फूल भी आपने देखा होगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। अब इसमें आप देखेंगे स्टेमन, फिर एंथर होता है और इनमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फिर इसके बाद आपने देखा होगा कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ये इसमें फ्लावर्स की जो ये पेटल्स और ये सारी पंखुड़ियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लावर होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने रफली आपको समझा दिया है, ये मैं जब ये चैप्टर कराऊंगी तो और डिटेल में आपको समझा दूंगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप पूछा गया कितना होता है। ऑप्शन ए है 37 केल्विन, ऑप्शन बी है 98.6 केल्विन, ऑप्शन सी है 100 केल्विन और ऑप्शन डी 310 केल्विन, और इसका बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए, यहाँ पर केल्विन में तापमान पूछा गया है, ना तो फॉरेनहाइट में और ना ही सेंटीग्रेड में, तो उसी तरह आपको उत्तर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 310 केल्विन। देखिए, केल्विन का मान होता है 273, तो जो भी आपका डिग्री सेल्सियस में है उसमें केल्विन आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो ह्यूमन टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फॉरेनहाइट में कितना होता है। जब आपको ये पता होगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि केल्विन में कितना होगा, और मैंने बता दिया है केल्विन का मान कितना होता है, कितना ऐड करना है। अगला क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड क्या है। ए है ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, ऑप्शन बी है डायनामाइट है, ऑप्शन सी है ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, या फिर ऑप्शन डी है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। अगला प्रश्न देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च, या फिर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही होता है। अब इसमें समझना ये है कि ये जो लार है ये माउथ में सिक्रीट होती है, तीन सलाइवरी ग्लैंड होती है, तीन पेयर में अर्थात तीन जोड़ी होती हैं। अब ये जो तीन जोड़ी होती है इनसे लार सिक्रीट होती है मुँह में, और यहीं पर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो होता पेट में है, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हो जाता है, माउथ में ही। ग्रंथियाँ कितनी हैं, तीन जोड़ी हैं, सब मैंडिबुलर, सब मैग्जिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड, ये तीन तरह की हैं, तीन जोड़ी में प्रेजेंट होती हैं माउथ में, जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, लार सिक्रीट करती हैं, भोजन को लुगदी बनाने के लिए भी यूज़फुल है, प्लस इसमें कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, जो इसमें बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल कोई प्रेजेंट है तो उसको ख़त्म करने का कार्य करता है, अर्थात जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है खासकर उनको दूर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर एमाइलेज और लाइपेज दो एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मॉर्फिन क्या है पूछा गया है। ये टर्पेंटाइन है, फ्लेवोनॉइड है, स्टेरॉइड है या फिर एल्केलॉइड है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक तरह का एल्केलॉइड है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया शुष्क बर्फ क्या होती है। ऑप्शन ए है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी है ठोस अमोनिया है, ऑप्शन सी है ठोस SO2 है, या फिर ऑप्शन डी NaCl है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे ड्राई आइस बोलते हैं। 106th क्वेश्चन है, ट्राइटियम एक समस्थानिक आइसोटोप है किसका है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन का है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक स्वस्थ मानव का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए है 50 बार, ऑप्शन बी है 60 बार, ऑप्शन सी है 72 बार और ऑप्शन डी है 120 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 72 बार, एक मिनट में 72 बार दिल की धड़कन होती है, और आप देखेंगे बच्चों में ये तेज़ होती है, सांस लेने की दर भी तेज़ होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये दर कम होती जाती है। तो एक सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय की गति पूछी गई, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स
इन दोनों में एक कॉमन जो कैरेक्टर है वो पूछा गया क्या है। तो पहला ऑप्शन है संवहन तंतु की उपस्थिति अर्थात वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी है थैलॉइड पादप काय अर्थात इंग्लिश में है थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। ऑप्शन सी है एम्ब्रियो फॉर्मेशन या फिर भ्रूण निर्माण। ऑप्शन डी है हैप्लॉइड पादप काय अर्थात हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इन दोनों में ही कॉमन होता है। अगला प्रश्न है किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। ए है चांगथांगी बकरी से, बी है बाबरी बकरी से, सी है बीटल बकरी से और डी है सानेन बकरी। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि पश्मीना जो ऊन है ये भेड़ से नहीं, ये बकरी से प्राप्त होती है। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है जब मैं कवर करा रही थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो चांगथांगी बकरी है इससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है हीलियम। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, इसका प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा के लिए क्या जिम्मेदार है। पहला है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सेकंड है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ज्वार भाटा के लिए देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अर्थात सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा इन तीनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसकी वजह से ज्वार और भाटा आते हैं, टाइड और ऐब बोलते हैं इनको। अब अगला प्रश्न देखिए लाइकेन के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब पूछा गया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ये देखेंगे आप सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है और जो फूड की तरह भी ये यूज़ किए जाते हैं लाइकेन। तो ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों ही करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में बताना है मायोलॉजी क्या होता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं इसमें, तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम का, या स्टडी ऑफ सेल्स है या फिर स्टडी ऑफ मसल्स है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मसल्स का जिनमें अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है, मायोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मायोलॉजी जिसमें हम अध्ययन करते हैं मसल्स का। कंकाल तंत्र का अध्ययन होगा ऑस्टियोलॉजी में, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होगा न्यूरोलॉजी में, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो ये तीनों ही मैंने आपको बता दी, मायोलॉजी पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिक इकाई पूछी गई है कौन सी है जिसमें जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रीय झिल्ली में, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्रों में, ऑप्शन सी है लाइसोसोम में और ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी काय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र में आनुवांशिक इकाई जो होती है जीन, ये पाए जाते हैं। ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक तरह की इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप देखते हैं एक शरीर की बनावट कैसी होगी, उसमें कौन से कैरेक्टर्स होंगे या पेरेंट्स के जैसे जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते वो दिखेंगे या फिर कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर नहीं होते वो भी। इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये जीन्स। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है। पहला ऑप्शन है विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाना, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाना, ऑप्शन सी है विभिन्न भागों तक अमीनो अम्ल को पहुंचाना और ऑप्शन डी है विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो देखिए पौधों में आपको दो तरह के याद करने हैं फंक्शंस जो होते हैं, पहला तो पानी पहुँचता है, दूसरा भोजन पहुँचता है। तो जो पानी पहुँचाया जाता है ये जल, जल जाइलम से। तो याद करने का तरीका इजी है, जाइलम जो होते हैं जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पौधों में ले जाते हैं, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो जाइलम का काम वन डायरेक्शनल है, एक दिशा में होता है। फ्लोएम का जो कार्य है वो सभी दिशाओं में होता है क्योंकि पौधों में सभी जगह पर भोजन की ज़रूरत होती है। तो ये ऊपर की तरफ भी चलता है ये जो फंक्शन होगा,
नीचे की डायरेक्शन में भी होगा, तो ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में, लेकिन वाटर का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जाइलम क्या करेगा, विभिन्न भागों तक पानी ले जाएगा। फ्लोएम क्या करेगा, भोजन को ले जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये हो गया आज के सेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाएंगे। बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आप UPSC से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।